देखो जी, एक थ्योरी है क्वेश्चन लिखिएगा पहले, गिवन एग्जाम्पल, थ्योरी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज पार्ट इज शोन इन, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन वेयर पार्ट इज पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज शोन इन इन्वेस्टिंग एंड पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन शोन इन फाइनेंसिंग एंड पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन शोन इन फाइनेंसिंग. एक्टिविटी तो जो मैंने ये एक नंबर क्वेश्चन थ्योरी का बहुत बार आया कि मैं एक एग्जांपल देना है ट्रांजेक्शन का, जो आधा शो होता है इन्वेस्टिंग में और आधा शो होता है फाइनेंसिंग में. क्या तो जो हमें एग्जांपल देना है ऐसी एक्टिविटी का जो पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन शो होता है इन्वेस्टिंग में, पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन शो होता है फाइनेंसिंग में, आंसर क्या आ जाएगा? अगर जैसे आपने गाड़ी फाइनेंस कराते हो, जो गाड़ी फाइनेंस कराते हो उसके दो पार्ट होते हैं. जब हम गाड़ी फाइनेंस कराते हैं इंस्टॉलमेंट के दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. जो प्रिंसिपल ऑफ द गाड़ी है वो क्या है? इन्वेस्टिबिलिटी है. और जो इंटरेस्ट है वो क्या है? फाइनेंसिंग है. लिखना इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ फिक्स एसेट, इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ फिक्स एसेट्स. Fixed asset consists of two parts. Installment paid of fixed asset consists of two parts. जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो पार्ट होते हैं, दैट इज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. जो इंटरेस्ट होता है वो कहाँ जाता है? इंटरेस्ट पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल पेड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो जो वन मार्कर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का है, कई बार आ चुका है बोर्ड में. इसी के साथ हमारी थ्योरी भी खत्म हो गई चैप्टर की. ठीक है जी, वन मार्कर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये. क्या फॉर्मेट बना लेना, जिन्होंने कर लिया फॉर्मेट बना लीजिएगा. दो क्वेश्चन कराने हैं उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा. और आप गाड़ी फाइनेंस करा रहे हो, जो गाड़ी फाइनेंस कराते हो तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, कि आपने अभी सारी पेमेंट नहीं कर रहे, एक तरह से उधार ले रहे हो, तो उधार की फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या हुई? वो डेब्ट हो गया ना, आपने गाड़ी उधार पे खरीदी है. जो गाड़ियाँ फाइनेंस कराते हो उसमें दो चीज़ें होती हैं, इंस्टॉलमेंट ईएमआई जो पे करते हो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कॉस्ट और एक इंटरेस्ट. तो जो इंटरेस्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, समझा रही बात? और जो कॉस्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट होता है. हाँ, वो वहाँ पे भी आता है नॉन क्या, वो तो वैसे कौन सी एक्टिविटी है? वो फाइनेंस एक्टिविटी है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे होते हैं तो हमें नॉन ऑपरेटिंग हटानी होती है, इसलिए वो करते हैं. अगर आपसे पूछा जाए ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में बोलते हैं कि नॉन कैश और नॉन कैश ऐड होगा, फाइनेंसिंग माइनस होगा. अगर आपसे पूछे कौन सी एक्टिविटी है तो आपको बोलना होता है फाइनेंस एक्टिविटी है. समझा की बात? आगे चलते हैं जी, फॉरन बना लो भाई अगले क्वेश्चन का.
फॉर्म बना लेना फुल फ्लेज क्वेश्चन का, फॉर्म बना लेना बच्चों सब बच्चे क्वेश्चन का। ऊपर लिखना जी कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज। पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट फिर क्या आता है जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यहाँ पे आता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है। फिर क्या आता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर क्या आता है कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर आता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहां पे आता है जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यू रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यू रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऐड हो जाता है जी नॉन कैश एंड नॉट एक्सपेंसेस, ऐड हो जाता है नॉन कैश एंड नॉट एक्सपेंसेस, लेस क्या हो जाता है नॉन कैश एंड नॉटिंग इनकम्स। लेस हो जाता है नॉन कैश एंड नॉट इनकम्स। फिर क्या आता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर क्या आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, उसमें टैक्स पेड माइनस हो जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, उसमें क्या माइनस होता है टैक्स पेड, ये आएगा ए ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सी। क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हो जो हम नंबर है 25, हेलो क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 25 है जो क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, क्वेश्चन 25 पेज 56 है, पेज 56 है, क्वेश्चन नंबर 25 है। पहली रिस्टमेंट देखिएगा जो मशीनरी कॉस्टिंग 20, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15, सोल्ड फॉर 12, पेज नंबर 56 पे 56 कर रहे हैं, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मशीनरी को कॉस्ट है 20, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15, सोल्ड फॉर 12, कौन सा जो अप्रोच कौन सी है, ग्रॉस है नेट। ऊपर देखो मशीनरी और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखे हैं, मशीनरी और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखे हैं यानी ग्रॉस अप्रोच है, मशीनरी और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखे हैं यानी ग्रॉस अप्रोच है। तो बनाइएगा जो मशीनरी अकाउंट बनाइएगा और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाइएगा, मशीनरी अकाउंट बनाइएगा और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाइएगा, ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ, अब ये ग्रॉस अप्रोच तो मुझे उम्मीद है सबको आ गई होगी। मशीनरी अकाउंट ओपनिंग कितनी है, मशीनरी अकाउंट ओपनिंग है 3.5 लाख, क्लोजिंग कितनी है, ओपनिंग है 3.5 लाख, क्लोजिंग कितनी है 470, मशीनरी का ओपनिंग है 350, क्लोजिंग है 470,
मैडम मशीनरी ओपनिंग है 350, क्लोजिंग है 470, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 60, ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 60, आपको बताया गया मुझे नीचे एडजस्टमेंट दे रखे कि एक मशीनरी कॉस्ट है 20, एक मशीनरी कॉस्ट है 20, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने किया 15 किया, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 किया, ये आगे रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकते हो या बुक वैल्यू बोल सकते हो, ये है 5000 की, बेच कितने में रहे हैं 12000 में, प्रॉफिट कितने का हो गया 7 का, तो जो कॉस्ट है 20 की, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15, बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू 5, उसे बेच दिया 12 में, प्रॉफिट हो गया 7 का, प्रॉफिट हो गया 7000 का, तो जो ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो तो चली जाएगी मशीन अकाउंट में, जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो कहाँ चली जाएगी मशीन अकाउंट में 15, सेल कितना कर दी, सेल कितना कर रहे हैं 12000, प्रॉफिट कितने का हो गया 7000 का, ये मशीन अकाउंट क्लोज कर दीजिएगा, मशीन अकाउंट क्लोज कीजिएगा, परचेज ऑफ मशीनरी आ जाएगी, यहाँ से क्लोज कीजिएगा, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, करो जी परचेज ऑफ मशीनरी निकालना और डेप्रिसिएशन निकालना, जल्दी से निकालो परचेज ऑफ मशीनरी और डेप्रिसिएशन, देर से पहन नहीं था तो मांगा क्यों नहीं, मशीनरी कितनी आ रही है 150 130, और डिपोजिशन 75 में 50 का 25, तो जो ये हमारी एडजस्टमेंट कितनी बार हम डील कर चुके हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा बच्चा होगा जैसे ना आती हो, अगर नहीं आती तो भाई को फायदा नहीं है बैठने का। पर चीज़ और मशीनरी कौन सी एक्टिविटी होती है, हाँ जी परचेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी होती है, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिविटी होती है, कैश जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिविटी होती है, कैश जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिविटी होती है, कैश आएगा, कितना है बच्चों 12000। फिर डिपोजिशन मशीन नॉन कैश एंड नोट एक्सपेंस, डिपोजिशन मशीन नॉन कैश एंड नोट एक्सपेंस, डिपोजिशन मशीन नॉन कैश एंड नोट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन मशीन नॉन कैश एंड नोट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश एंड नोट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश एंड नोट एक्सपेंस, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नॉन कैश एंड नोट इनकम में माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन कैश एंड नोट इनकम, डेप्रिसिएशन मशीन नॉन कैश एंड नोट एक्सपेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन कैश एंड नोट इनकम, कितना है बच्चों डिपोजिशन मशीन 25, डिपोजिशन मशीन है 25, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है 12, पता नहीं भाई किसने कैलकुलेट करके दिया, 15 + 12 + 470 - 350 - 7, हाँ जी 140 आ रहा है, तो ये आ रहा है 140, ये 140 है, नहीं परचेज ऑफ मशीनरी 140, सेल ऑफ मशीन 12, डेप्रिसिएशन मशीन और क्या आएगा, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ मशीन कितना है 7000 है, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ मशीन 7000 माइनस हो जाएगा,
भैया इतनी एडजस्टमेंट अगर आपकी होगी, छः में तीन नंबर आ गए, किसी को आती है भाई इतनी एडजस्टमेंट करनी? आती है, तीन नंबर आ जाएंगे छः में से। बस फॉर्मेट भी आना चाहिए, फॉर्मेट और वो वाली एडजस्टमेंट। अगर हमें फॉर्मेट आ गया और वो कर लिया एडजस्टमेंट, तीन नंबर आ गए छः में से बोर्ड में, छः में तीन नंबर पास है। अच्छा आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ना हो चुका है। हाँ जो अगला है इन्वेस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट ना पिछले सीबीएसई पेपर में थी। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखिएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में डिबेंचर शुरू करा रहा हूँ मैं, डिबेंचर जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा, छुट्टियाँ हमसे हो रही हैं दिवाली की हैं। तो ठीक है, क्या वेडनेसडे को छुट्टी है? हैं क्या है? कोई बात नहीं सर, आप कहना कोई मेडिकल दे दो, डिवेंचर कराऊंगा मैं इन छुट्टियों में जल्दी जल्दी। सर ये सविता अग्रवाल है, डॉक्टर सविता अग्रवाल, नॉर्थ एक्स मॉल में बैठती है, 200 रुपये लेगी, मेडिकल दे देगी, एक एक महीने का मेडिकल बनवा ले, पढ़ ले, 2 महीने का बनवा ले। हैं नहीं दो बता दूंगा, लेकिन 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेनी है मेरे को, डिवेंचर खत्म कराना है ये दिवाली से, तब मतलब दिवाली 5-6 तारीख तक दिवाली से की छुट्टियाँ ना, कब तक ये दिवाली छुट्टियाँ? 4 तारीख तक, 3 तारीख तक, 3 तारीख तो भाई दूज है। हाँ जी देखो जी, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग 3 क्लासों में खत्म कराऊंगा डिवेंचर में। हाँ जी जो इन्वेस्टमेंट देखो, ओपनिंग कितना है क्लोजिंग कितना है जल्दी बताओ, ओपनिंग कितना है क्लोजिंग कितना है? हाँ जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 50 की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ओपनिंग है 50 की, क्लोजिंग है 40 की। बच्चों इन्वेस्टमेंट ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 40। और मैं आता हूँ एक काम करियो, और अरे बता रहा हूँ मैं, अभी अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद बताऊँगा, अरे रिकॉर्डिंग के बाद बता दूंगा, अभी सुख जाओ। 50 और 40 हम ना कितनी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं? 50 और 40 10 हो गई। मैं ब्रह्मली में बैठी हूँ, मम्मी बता देगी, इसके सामने नहीं बता सकते भाई, 50 से 40 मम्मी को बताना मैडम, ठीक है 50 से 40 कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई? 10,000। वो क्वेश्चन लिखा हुआ हमने 20 में प्रॉफिट बेची है इन्वेस्टमेंट, कितने में प्रॉफिट बेची है? 20 में प्रॉफिट बेची है। हाँ हाँ जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो सर कितनी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दिखी 50 और 40, तो ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग 40 है, 50 से 40 कम क्यों हो रही है? 10,000 कम हो रही है, ठीक है, तो 10,000 कम हो रही है, 20% प्रॉफिट बेची है लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है इन्वेस्टमेंट में सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी 10,000 की इन्वेस्टमेंट 20% प्रॉफिट बेची, यानी 12,000 बेची। वो कह रहे हैं प्रॉफिट वैसे हम जाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कहाँ जाता है नहीं, कहाँ डाल दिया प्रॉफिट लॉस की जगह कैपिटलिज्म में डाल दिया, कहाँ डाल दिया? हाँ कैपिटलिज्म में डाल दिया हमने। जो वैसे हम प्रॉफिट डालते हैं प्रॉफिट लॉस में, लेके कह रहे हैं हमने प्रॉफिट, हमने ना एक कैपिटलिज्म में डाल दिया, तभी रिजर्व सरप्लस देखो कैपिटलिज्म 2,000 दे रखा है, तभी रिजर्व सरप्लस में देखो कैपिटलिज्म 2,000 दे रखा है, दे रखा है रिजर्व सरप्लस में देखो कैपिटलिज्म 2,000 दे रखा होगा, दिखा उस पायल नहीं है क्या, हम शेयर कर लो, तभी वो जो प्रॉफिट जो है रिजर्व सरप्लस में कैपिटलिज्म में देखो 2,000 होगा, ठीक है। सुनो जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी इक्विटी होती है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी इक्विटी होती है जल्दी बताओ, इन्वेस्टिंग इक्विटी, सेल ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी इक्विटी होती है? इन्वेस्टिंग इक्विटी, सेल ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी इक्विटी होती है? इन्वेस्टिंग इक्विटी, सेल ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी इक्विटी होती है? इन्वेस्टिंग इक्विटी, सेल ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी इक्विटी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, पूछो क्यों? प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया था, वहाँ पे इनकम में माइनस किया था, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट पी अकाउंट में ही डाला, कहाँ डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में। अगर आप कोई चीज़ प्रॉफिट या एक्सपेंस आपने पी अकाउंट में नहीं डाला है तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, अगर एक्सपेंस है और आपने पी अकाउंट में नहीं डाला तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ऐसी कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो पी अकाउंट में क्रेडिट नहीं की तो यहाँ माइनस नहीं होगा, ऐसी कोई अप्रोप्रिएशन है टैक्स रिजर्व अप्रोप्रिएशन होती है, अगर आपने पी अकाउंट में डेबिट नहीं की तो वहाँ पे नोट वन में ऐड नहीं होगी। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चली, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वही ऐड होते हैं
नॉन ऑपरेटिंग इनकम वही माइनस होती है जो पीएल में डेबिट हुई हो या क्रेडिट हुई हो। ऐसी अप्रोप्रिएशन टैक्स जो है तभी ऐड होता है अगर वो पीएल अकाउंट में गई हो। क्वेश्चन साइलेंट होता तो पीएल अकाउंट में जाती है। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक लिख दिया गया कि वो जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसे कैपिटलिज्म में डाल दिया था हमने, इस वजह से वो वहां पे माइनस नहीं होगी। समझ आ गई बात? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये वाली सीबीएसई सैंपल पेपर में आई थी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाना। समझ आ गया? कोई डाउट है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट पढ़ो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट था ना उसे कैपिटलिज्म में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? पढ़ा आपने? अगर ये कुछ नहीं लिखा होता तो पी अकाउंट में डाला होता। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर पी अकाउंट में डाला था, तो वो हमने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ माइनस किया था। तो मोरल स्टोरी, अगर आपने क्वेश्चन साइलेंट हो तो यही मानना है कि पी अकाउंट में डाला है तो यहाँ माइनस हो जाता। यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कैपिटलिज्म में डाला। यहाँ पे वही चीज़ें ऐड होती है, वही चीज़ें माइनस होती है अगर पी अकाउंट में गई हो। और टैक्स ड्यूरेंट रिजर्व भी तभी ऐड होता है अगर पी अकाउंट में गया हो। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, डिवेंचर रिडीम हुए हैं पार पे 1 अप्रैल 2017 को। डिवेंचर देखिएगा कितने हैं, डिवेंचर देखिएगा कितने हैं, 1,80,000 हो रहे हैं डिवेंचर, कम हो रहे हैं। रिडम्शन डिवेंचर, रिडम्शन डिवेंचर इज अ फाइनेंस एक्टिविटी, रिडम्शन डिवेंचर इज अ फाइनेंस एक्टिविटी, कैश जाएगा। रिडम्शन डिवेंचर इज अ फाइनेंस एक्टिविटी, कैश जाएगा। अब जिधर देखो जो डिवेंचर कितने के हैं, 1,00,000 के हैं। जो डिवेंचर डीम किया ना बच्चों, वो कह रहे हैं साल के, जो डिवेंचर रिडीम किया हो साल के स्टार्टिंग में किया हो, कह रहा है जो डिवेंचर रिडीम किया हो साल के स्टार्टिंग में रिडीम कर दिया 80,000, यानी कि साल के स्टार्टिंग में 80,000 हो गए थे डिवेंचर। 1 अप्रैल के डिवेंचर थे, 1 अप्रैल को 1,00,000 थे, 20,000 के रिडीम हुए, कह रहे साल के स्टार्टिंग में रिडीम हो गए। तो इंटरेस्ट किस पर लगेगा? 80,000 पर लगेगा इंटरेस्ट, लगेगा 80,000 का। 80,000 1,200 होता है 9,600, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 9,600 ब्रमलीन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्रिप, DRIP, आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ड्रिप का डबल ट्रीटमेंट होता है। हिंट दे दिया, क्या ट्रीटमेंट होता है बताइए? हाँ, एक्सपेंस में ऐड होगा दूसरा। वेरी गुड। तो जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, और पेमेंट इंटरेस्ट फाइनेंस एक्टिविटी, और पेमेंट इंटरेस्ट फाइनेंस एक्टिविटी, 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 पेमेंट इंटरेस्ट, और नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस में नेक्स्ट करें भाई, टैक्स पेड क्या है? अगर जो टैक्स पेड की एडजस्टमेंट ना दे रखी होती तो भी पिछला का पे हो जाता, करंट ईयर का पेड हो जाता। अच्छा, प्रोजेक्ट टैक्स दे ही नहीं रखा इस क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में जो प्रोजेक्ट टैक्स दे ही नहीं रखा, प्रोजेक्ट टैक्स दे ही नहीं रखा, तो जो पेड होगा वही मेड हो जाएगा। प्रोजेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे ही नहीं रखे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे तो अकाउंट बनाना पड़ता। अगर प्रोजेक्ट टैक्स की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे तो अकाउंट बनाना पड़ता। अब अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, जो टैक्स पे किया, जो टैक्स पे किया वही पेड हो गया, वही मेड हो गया। तो जो अकाउंट है ही नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, अगर ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं तो यही मेड हो जाएगा, यही पेड हो जाएगा। अगर ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं तो यही मेड हो जाएगा, यही पेड हो जाएगा। प्रोजर एक्स अगर ये नहीं दे रखा तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा तो यही मेड हो जाएगा, यही पेड हो जाएगा, नहीं तो अकाउंट बनाना पड़ता और मेड निकालना पड़ता। एंड लास्ट एडजस्टमेंट इंटरिम डिविडेंड पेड, एंड लास्ट एडजस्टमेंट इंटरिम डिविडेंड पेड। हाँ भाई शर्मा साहब, इंटरमेंट पे किया और हाँ जी ड्रिप है, DRIP डिविडेंड। तो इंटरमेंट करंट ईयर का लेते हैं, अप्रोबेशन है ये, इंटरमेंट नोट वन में ऐड हो जाता है, ड्रिप के डबल ट्रीटमेंट होते हैं और फाइनेंस इक्विटी में माइनस हो जाता है, और फाइनेंस इक्विटी में, और फाइनेंस इक्विटी में माइनस, फाइनेंस इक्विटी में माइनस, फाइनेंस इक्विटी में माइनस, पेमेंट ऑफ इंटरमेंट इज अ फाइनेंस इक्विटी, पेमेंट ऑफ इंटरमेंट इज अ कैश जाएगा, कैश। अगला साइड एडजस्टमेंट हो गई है, साइड एडजस्टमेंट हो गई है। फिलहाल बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल 3,00,000 से 3,50,000 हो गया, शेयर कैपिटल 3,00,000 से 3,50,000 हो गया। अच्छा, हाँ सर, बढ़ गई शेयर कैपिटल, कौन सी एक्टिविटी है भाई? फाइनेंसिंग इश्यू शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू शेयर कैपिटल,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी इश्यू शेयर कैपिटलिज़ा 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 फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिजर्व सप्लस का नोट बनना है जो रिजर्व सप्लस का नोट बनना है रिजर्व सप्लस में कैपिटलिज़ा डील कर चुके हैं रिजर्व सप्लस में कैपिटलिज़ा डील कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख चुके हैं और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ जनाजा 20 से 33 हो गया जनाजा 20 से 33 हो गया ट्रांसफर जनाजा जनाजा 20 से 33 हो गया ट्रांसफर जनाजा जनाजा 20 से 33 हो गया 13,000 बढ़ गया ट्रांसफर जनाजा फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है जी प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है जी प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट बता रहा हूँ जो कितना है 5,000 प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है 5,000 जो जनाजा जो बढ़ रहा है ट्रांसफर जनाजा प्रॉफिट जो बढ़ रहा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट फिर जो हम नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर डील कर चुके हैं नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर डील कर चुके हैं करंट लायबिलिटी में बैंक लोन रह गया 25 से 15 और है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंस एक्टिविटी रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंस एक्टिविटी रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंस एक्टिविटी कैश जाएगा रीवेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंस एक्टिविटी कैश जाएगा ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है जो 1,05,000 से प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस में आएगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कैश आएगा कितना 1,05,000 इंक्रीज इन ट्रेड पेबल से कैश आएगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल से कैश आएगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कैश टेंजिबल से हम डील कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट डील कर चुके हैं इन्वेंट्रीज बढ़ रही है करंट ऐसे बढ़ गए इंक्रीज इन इन्वेंट्री से कैश जाएगा 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 ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कैश जाएगा 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 फिर जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 1,15 और क्लोजिंग दे रखा है 1,18 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है ओपनिंग दे रखा है 1,15 और क्लोजिंग दे रखा है 1,18 ओपनिंग दे रखा है जो 1,15 क्लोजिंग दे रखा है 1,18 ओपनिंग दे रखा है 1,15 क्लोजिंग दे रखा है 1,18 करो जो यहाँ नोट वन का टोटल कितना आ रहा है जल्दी से करना नोट वन का टोटल कितना 50 या 60 ठीक है 5 और 15 20 45 और 58 हमें जो यहाँ निकालना सारे हेरिटेज के कहाँ चले गए हैं भाई आजकल आके नहीं रहे कहाँ पे सारे वहीं भाग गए हाँ सर है? तेरी है भाई तेरी बंदी है वो तो ए तूने भेजा था उसको यहाँ पे फसा दिया तूने फसा दिया तूने मुझे तूने मुझे फसा दिया पढ़ाने में नहीं देती है पढ़ा दे भाई फिर वो कमीशन वापस करनी पड़ेगी ए प्लस बी प्लस इक्वल टू डी 3,000 आ गया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट